लेकिन वहां भारत में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि हम अगले 25 साल में एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे। और उसी के लिए जब उन्होंने कहा ना 25 सालों में हम ये कर देंगे, तो अब देखिएगा वो जो उनके फॉलोअर हैं वो इस उसको 25 से भी शायद पहले कर दें डिलीवर चीज। मिफ्ता साहब, अब पेट्रोल की जो नई कीमत है जी, 6 रुपए 72 पैसे इजाफे के बाद 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गए। वहां पे जब वापस आने लगे तो हमारे दो एथलीट जो थे वो फ्लाइट से 2 घंटे पहले जब वो गायब हो गए। ये तार साहब, ये क्या हमारे लोग जो एथलीट है जिनका मुस्तकबिल भी है, ये वो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं? इंडिया ने उसके मुकाबले में उस वक्त सबसे ज्यादा उन्होंने उन्होंने की थी बाइंग की थी, ले सस्ता मिल। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो स्पीच हुई थी 15 अगस्त को, आपने शायद उसको डेफिनेटली सुना होगा या उसके बारे में जो भी उन्होंने बोला था न्यूज़ में देखा होगा। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अगले 25 साल, मतलब अगले 25 साल में इंडिया जो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ हैं जो पहले ही बोल चुकी हैं कि 2050 तक भारत नंबर 2 रहेगा चाइना के बाद GDP के मामले में। अगर नंबर 2 रहता है तो डेफिनेटली भारत बहुत आगे बढ़ेगा। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई, और मिफ्ता साहब को पेट्रोल बढ़ाने का फैसला इंतहाई मुनासिब लग रहा है, कहते बड़ा मुनासिब फैसला है। जब ज़मीर मर जाए ना, ज़मीर जब मर जाए तो फिर जुल्म भी मुनासिब लगना शुरू हो जाता है मेरे ख्याल से, और यही हाल इस वक्त मिफ्ता साहब का है। आपकी हिम्मत कैसी हुई कि एक तो आप आवाम पर महंगाई का जुल्म करते चले जाएं, फिर आप ऊपर से शर्मिंदा होने के बजाय ये कहें बड़ी ढिटाई के साथ कि ये मुनासिब फैसला है? इंतहाई नाजायज फैसला होता, इंतहाई नामुनासिब फैसला होता, नाजायज फैसला होता। ये दोहरे मयार इनके आखिर कब तक चलेंगे? अच्छा, अब मिफ्ता साहब ओगरा के सामने अपनी बेबसी दिखाकर खुद को बरियुजमा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मिफ्ता साहब अनजान बन रहे हैं कि ओगरा ने हमें कहा और हमने कीमतें बढ़ा दी, जैसे कि अमेरिका ने इन्हें इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश करने का कहा, इन्होंने साजिश कर दी। अगर ये बात है तो फिर मेरे हिसाब से, जरा सुनिएगा, अब मेरे हिसाब से ये शायद दूध पीते बच्चे हैं कि इन्हें हर कोई उंगली पकड़कर अपनी मर्जी से जहां कब ले जाएगा ये वहां चले जाएंगे। ऐसा ही मिफ्ता साहब, मिफ्ता साहब मेरे ख्याल से आप ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको अगवा करके ले जाए। शरीफ साहब, उन्होंने कन्फेशन किया है कि हम 75 साल में पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सके, हमने लोगों को गुर्बत दी है और हम अकेले चोर नहीं हैं, बाकी भी हैं। लेकिन वहां भारत में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि हम अगले 25 साल में एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है स्टेट को देना, वो भी है। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ इस ये रेफरेंस दे के मोदी साहब का, कि वो कह रहे हैं हम 25 साल में डेवलप हो जाएंगे और हम कह रहे हैं कि हम 75 साल में गलतियां हुई, हम अपने मुल्क को तरक्की नहीं दिला सके। तारण साहब, वो फिर 1 अरब 40 करोड़ को लेके आगे की तरफ जा रहे हैं, हमसे 25 करोड़ नहीं संभाले जा रहे, तो ये इसका ये भी तो एक इसको भी थोड़ी रोशनी डालें कि ये क्या गलतियां कर रहे हैं और हम कहाँ फंस गए हैं। देखें, मैं उसमें इस वक्त इंडिया इज डेफिनेटली ऑन अ राइट ट्रैक, मैं बताता हूँ। और इस ट्रैक में आने के लिए सिर्फ मोदी साहब नहीं, उनके पीछे बड़ी फिलोसफी है, उसके पीछे बड़े लोगों की कुर्बानी है। अगर लोग आप देखें, मैं जब आप उनकी लीडरशिप पिछली देखता रहा हूँ, डिसाई, मिराज जी डिसाई है, वाजपेयी है, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का बड़ा इसके अंदर रोल है। और मैं समझता हूँ कि मोदी साहब ने तो बल्कि आके चीजों को मजीद स्टेरॉइड पे किया है। और दूसरा, इन्होंने खान साहब ने, मैं खुश हूं इन्होंने कि डॉक्टर जयशंकर की इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी आजादी में, लेकिन खान साहब ने जिस तनाजर के साथ डिस्कस किया वो गलत है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर जयशंकर आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका उनके पास फॉरन रिजर्व आपसे कुछ 4 गुना ज्यादा है आपसे। उनके पास वो भूखे नहीं है, वो जहां जाते हैं मांगते नहीं है। आपके मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो खुद आपके फॉरन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब हम जिस मुल्क के पास जाते हैं वो हमें पैसे नहीं देता। तो फॉरेन पॉलिसियां, हकीकी आजादियां, ये ख्वाब, ये पाकिस्तान का मतलब क्या है, ये तब होता है जब आप मुआशी तौर पर आजाद होते हैं। अब मोदी साहब ने क्या किया कि चीजें फास्ट ट्रैक पे जा रही थी उनकी, बिल्कुल पहले भी फास्ट, लेकिन अब उन्होंने स्टेरॉइड्स पे कर दी है। उसकी वजह यह है, नेशनलिज्म को प्रमोट किया है। पहली दफा इस वक्त जो हिंदू मेजोरिटी है, दे उनका कॉन्फिडेंस उन्होंने बढ़ा दिया। और उसी के लिए जब उन्होंने कहा ना 25 सालों में हम ये कर देंगे, तो अब देखिएगा वो जो उनके फॉलोअर हैं वो इस उसको 25 से भी शायद पहले कर दें डिलीवर चीज।
दिस इज व्हाट यू नीड, दिस इज व्हाट द, देखे ये लीडरशिप, दिस इज व्हाट द लीडरशिप इज अबाउट, टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, टू गिव यू समथिंग टू वर्क ऑन, टू गिव यू समथिंग टू ड्रीम ऑन। तो ये मसला है हमारा। हमें भी खान साहब तो देखे, खान साहब ने किया है, खान साहब भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन अफगानिस्तान वाली, उनकी ये किसी एक स्पीच में खान साहब ने कहा हो कि फलान चीज एक्सपोर्ट करें, आए मिले। आज देखिए सारे बच्चे ऑनलाइन जो ट्विटर कर रहे हैं, ट्वीट में कर रहे हैं, आओ इन सबको दिखाएं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग किस तरह करते हैं। खान साहब ने आज तक कहा हो कि आए हम अपने एक्सपोर्ट को इस तरह बढ़ा देंगे, आए मुल्क कुर्बानी दें, हम इम्पोर्ट इस तरह कम कर दें, इम्पोर्ट को बंद कर दीजिए, आज के बाद हम इम्पोर्टेड चीजें पसंद नहीं करेंगे, मेड इन पाकिस्तान के जो, वो देखें मैं मिसाल देता हूँ, कहते ना मेक इन इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट्स, खान साहब मूवमेंट चलाते हैं, खान साहब के पास इतनी इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती हैं। खान साहब ये जो कॉन्सेप्ट करना था, ये अगर बलोचिस्तान में कर लेते तो फिर इनका कद और बड़ा हो जाना था। खान साहब ने आज तक बलोचिस्तान की बात की, खान साहब ने आज तक कोई ये कहा हो आए मिल को पाकिस्तान, खान साहब ने कहा आज तक को रोड मैप दिया कि मैं आए जी अगले 5 साल तक, 25 साल छोड़े, आज अगर कहें पाकिस्तान के हमने 5 साल तक कर्जे अपने खत्म कर देने, आए मिलके फला चीज हम एक्सपोर्ट करेंगे, आए हम इंपोर्ट करना बंद कर दे, कभी कहा है किसी? नून लीग ने कभी कहा है? कभी पीपल्स पार्टी ने कहा है? यही तो डिफरेंस है हमारा और भारत का। अब तो आपको कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए उनके, क्योंकि गैप इतना ज्यादा हो चुका है आपका भारत के साथ कि वो यू कैनॉट टच देम, यू कैनॉट टच देम। आप तो बांग्लादेश के साथ भी कंपेयर कर रहे, आप तो आजकल अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर करने का हालात नहीं, उनकी करेंसी भी आपसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये क्या आपको शीशे शीशे ही को नहीं दिखाता? तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से यहां पर बात हो रही है कि इंडिया आने वाले जो समय में डेवलप कंट्री बन जाएगा, और हो सकता है ये होगा, ये पॉसिबल है, बट मेरे हिसाब से इंडिया बहुत जल्दी डेवलप कंट्री बन जाता अगर कुछ गलतियां स्टार्टिंग से ही ना होती जब से भारत देश आज़ाद हुआ है। लेकिन अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब जो है कठिनाइयां उनका हमें सामना करना पड़ेगा। भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है भारत की जनसंख्या। मेरे हिसाब से भारत की जनसंख्या अगर आज 70 करोड़ के आसपास होती तो शायद हम बहुत आगे होते, बहुत ज़्यादा आगे होते, बहुत ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज होते, जितना मतलब एक्स्ट्रा है जो जनसंख्या उस पे जो पैसा लग रहा है वो बचता, वो डेवलपमेंट पे लगाते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाते, तो शायद हमारे पास और भी ज़्यादा आगे होते हम। आप समझ सकते हो कि इंडिया के बच्चे US में जाकर अगर वही US के माहौल में पढ़ाई करते हैं तो उनका ब्रेन दुनिया में सबसे आगे होता है। तो जो हमारे आपने पढ़ा होगा हमारे पूर्वजों ने क्या क्या डेवलप किया है, सब कुछ पता है आपको, मेडिकल साइंस हो या मतलब आप देख सकते हो फिजिक्स हो, ऐसा लगता है आपको कि न्यूटन का नियम क्या उस सेब के गिरने से ही आया, ऐसा मतलब आप समझ सकते हो न्यूटन का नियम फेमस इतना ज़्यादा हुआ है, मतलब हर एजुकेशन सिस्टम में उसे अडॉप्ट किया गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो न्यूटन का नियम पहले था नहीं। आपको पता होगा कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को अगर आप देखें, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो वैदिक काल में यूज़ होता था, उसमें भी आप देख सकते हो कि वो नियम होंगे। तो मैं उस हिसाब से ऐसा कुछ अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि भारत के जो बच्चे हैं अगर उनको सही माहौल मिलेगा, सही उनके ब्रेन का यूटिलाइज़ किया जाएगा, तो डेफिनेटली वो दुनिया में बहुत आगे निकलेंगे, और देख सकते हो आप निकल रहे हैं। तो दोस्तों भारत के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तानी, जो कि ऑब्वियसली बहुत गलत है। पाकिस्तान बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है, पाकिस्तान अभी भी डिपेंडेंट है दूसरों से मांगी हुई भीख पर। तो आप क्या कहना चाहेंगे?